तो गाइस देख सकते हो इतना सारा पैसा लेके हम जा रहे हैं फोन लेने। फाइनली अमृत का फोन आ गया है। ये हम अभी उसे नहीं देंगे, उसको पहले रुलाएंगे फिर देंगे। अभी ये प्लान मुझे खुद अकेले हैंडल करना पड़ेगा। हीरोइन का फोन है कौन? तेरा मोबाइल का नाम लेकर तेरा मुंह सु फोड़ छु साले। अबे जा रहा है ना टंगी ना दिखा। अबे भाई क्यों बात कर रहे हो भाई तुम्हें मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। तो आज की सुबह की शुरुआत करते हैं कार्तिक को नाश्ता खिलाते हुए। गुड मॉर्निंग गाइस। कार्तिक आया है और हमें आज बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है, तो उससे पहले मैंने सोचा कार्तिक का पेट भरा जाए। तो कार्तिक खा रहा है आलू का पराठा, बटर और तिल की चटनी। बढ़िया, फेवरेट माय फेवरेट आलू का पराठा। तो गाइस कार्तिक को आलू का पराठा बहुत पसंद है और अभी मैं हो रही हूँ तैयार। मैंने स्वेटशर्ट पहना है, ये दूसरा वाला स्वेटशर्ट है जो मैंने लिया था, ये भी बहुत ही अच्छा है। कैसा लग रहा है स्वेटशर्ट? कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? तो फटाफट तैयार होके मिलती हूँ मैं आपको। तो गाइस फाइनली तैयार होके मैं निकल गई हूँ और पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक हेड टू टो पैक हो चुकी हूँ। और कार्तिक भी हमारा पूरा पैक होके आ रखा है खदेरा पहन के। तुमने कुछ नोटिस ही नहीं किया है? क्या नोटिस करना है? क्या खुद करो, सोचो। क्या जूता? खुद सब चीज देखो। मुझे तो कुछ भी नोटिस नहीं लग रहा। यू मिस्ड इट। क्या बोलो ना? ऑल ब्लैक बन के आ रखा है वो, देखो। ऑल ब्लैक नहीं है वो, ब्लैक नहीं है। मैं ब्लैक में गिनता हूँ उसे। तो गाइज आप लोग सोचते होंगे कि ये इतना लाउड क्यों बोलती है, रूड क्यों बोलती है। गाइज मेरा टोन ही वैसा है ना। देखो देखो क्या वो पेड़ है। क्या खा रहे हो? क्या ये? ये माय फेवरेट करी पन्ना। बाय। कल मेरे को क्या लेकर आ रखा? ये वो क्या है? वो क्या? वो बैग में। अच्छा ये कपड़ा है कल्या चेंज। चलो बधाई हो, बाय। तो गाइज मैंने अभी आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो मैं अभी आपको सीधा गाड़ी में बैठ के बताऊंगी। चश्मा भी तो पहन ले यार। ये देखो गाइज यहाँ पे चश्मा चेंज हो रहा है। और अपना स्केटबोर्ड तो दिखा दो। देखो मेरा स्केटबोर्ड छोटू सा स्केटबोर्ड है जिसमें मेरी इंडिया स्केट्स करते हुए यूं जाएंगे। तो गाइज हमने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कहाँ? हम जा रहे हैं अमृत के लिए फोन लेने। यस, तो गाइज क्योंकि वो बहुत टाइम से बोल रहा फोन चाहिए। हम सोच रहे हैं कि आज उसके लिए फोन ले ही लेते हैं। तो हम नया फोन नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं सेकेंड हैंड फोन जो कि कार्तिक के दोस्त ने लिया था। कुछ कब लिया था उसने? 6-7 महीने पहले। 6-7 महीने पहले उन्होंने फोन लिया था, iPhone 14 Plus। मतलब एक साल होने वाला होगा। तो वही फोन हम लेने जा रहे हैं क्योंकि अमृत को मैंने बोला था कि देख ज्यादा बजट नहीं है, नॉर्मल फोन ले ले। नहीं, पर उसको क्या चाहिए? आईफोन। तो और वो भी आईफोन नॉर्मल सीरीज नहीं चाहिए, 13-14 कुछ नहीं चाहिए। कुछ ये प्लस सीरीज, 14 प्लस या 15 प्लस या 14 प्रो। मैंने बोला तेरी बहन तो नहीं चला रही है ना, इतना बजट तो है ही नहीं। हाँ, तो फिर अभी हमें जो फोन दे रहे हैं वो ऑन प्राइस है, उसका हाफ में दे रहे हैं। तो अभी हम वही फोन लेने जा रहे हैं और फोन लाने के बाद हम अमृत को बोलेंगे हमें फोन मिला ही नहीं, तो हम उसको बहुत रुलाएंगे। फिर तब जाके उसको फोन देंगे, मजा आएगा। पहले उनका लड़ाई कराना, मम्मी और अमृत की लड़ाई। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे लड़ता है। अपने भाई की बेइज्जती। नहीं, बेइज्जती नहीं। हम थोड़ा उसे रुलाना चाहते हैं, तड़पाना चाहते हैं। और इतनी गर्मी लग रही है, इतना कपड़ा पहन के ना। पर कोई नहीं यार, तबीयत ठीक नहीं है अभी दोनों की, हम दोनों भी। और हमें ट्रिप में भी जाना है तो इसीलिए ठीक होना जरूरी है, वरना बहुत वाट लगने वाली है हमारी। गाइज फाइनली हम लोकेशन में पहुंच गए हैं और जिनसे हमें फोन लेना है वो अभी पहुंचे नहीं है, हम उनका वेट कर रहे हैं। और इतनी गर्मी लग रही है भाई। तो गाइज देख सकते हो इतना सारा पैसा लगे हम जा रहे हैं फोन लेने। पर मुझे ना इतना पैसा ना अगर हम किसी एंड्रॉइड में डालते तो थोड़ा लगता कि हाँ यार नया फोन ले रहे हैं। अब सेकेंड हैंड में भी इतना सारा पैसा दे रहे, मेरे बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बट क्या करें।
अमृत को चाहिए भी वही फोन। तो हमें वो फोन मिल रहा है 37,000 में। वैसे तो एंड्रॉइड अच्छा एंड्रॉइड आ जाता है उतने पैसे में, बट क्या करें, हमारा प्यारा सा भाई इतना बदतमीज है, उसको चाहिए आईफोन ही, और नया नहीं ले रहे हैं इसलिए पुराना। वैसे भी वो नया डिजर्व नहीं करता। अभी देखना इस फोन की वो क्या रेट लगाएगा। एक महीने में खराब कर देता है वो, मतलब पबजी 24 घंटे पबजी 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 खेलता रहता है ना। तुम्हें क्या लगता है? सही बात है, खराब तो वैसे भी कर ही देगा। हाँ मुझे भी लग रहा है, मेरा वाला फोन नहीं देखा कैसे हालत खराब कर दी उसकी, बैटरी हेल्थ खराब हो जाएगी, इतना गेम खेलता रहता है ना वो। पता है मतलब रात भर गेम खेलता है भाई, पता नहीं क्या है इस पबजी में, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। कर लो तुम, पहले मैं भी सॉरी, अच्छा पहले मैं भी खेलता था, मैंने बंद करा दिया। हमारे भाई के लिए फोन लेकर आइए। गाइज मैं बहुत बोर हो रही, अभी तक भैया आए नहीं है। और तुम्हें पता है क्या आज से क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? क्या हुआ बताओ? आज से क्या है? आज से है तुम्हारा बर्थडे मन। ये दिमाग तो बहुत है यार तुम। अरे सब चीज मेरे अंदर बहुत है यार। ये बर्थडे आने वाला है किसी का, ढुंच लगा ढिंक लगा। तो अभी तो गाइज अभी फोन लेने के बाद स्केटबोर्ड में बैठोगे? तो मैं स्केटबोर्ड में बैठोगे? मत करो ना यार। मैं 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 तो गाइस अभी फोन लेने, तो गाइस अभी फोन लेने, तो गाइस अभी फोन लेने, दिमाग खराब मत करो। तो गाइस फोन लेने के बाद हम जाएंगे संडे मार्केट, इतने टाइम बाद मुझे जाना था। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, पर कोई नहीं जाएंगे। मेरे हाथ में लग क्या पता तो? हमें वहाँ पे कुछ खजाना मिल जाए भाई, कुछ भी मिल सकता है वहाँ पे। हाथ में नहीं लगेगा, जेब में रखना हाथ को, ठीक है? ये गंदा है, ऐसे चिपक रहा है। ठीक है, तुम हाथ ऐसे ऊपर करके चलना। रात भर घूमता है तब इसका हाथ दर्द नहीं होता? जब मेरे साथ आता है तब इसका हाथ दर्द होता है। रात भर का घूमता है। हां कल भी ये 11 बजे घर आया था गाइस, 11 बजे आए थे तुम रात को घर। शादी में गया था ना भाई? शादी में गए थे? हां तुम पापा और के साथ शादी में गया था कल तो। हां तो फिर भी इतने रात को तब तुम्हें दर्द, शादी में जाते समय तुम्हारा हाथ दर्द नहीं होता, बढ़िया है। वो तो रुचि की शादी में जाने के बाद ठीक हो गया था ना। तो गाइस फाइनली अमृत का फोन आ गया है, और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूं। ओए होला नमस्ते भी स्टार्ट हो गया है। अभी इसमें जो एप्पल आईडी डलेगी वो तो अमृत की डली है, मुझे पासवर्ड वगैरह पता नहीं है, तो ये घर में जाके हम सेट करेंगे इसका। और इसके साथ बिना कवर के दिखा दो ना उतार के इसको। ओ गाइस असली चीज उसमें बिना कवर के है, इसमें ये कवर है, कैसे निकालिए मेरे हाथ में ना। ये कितना बड़ा फोन है यार। हाँ बार बार होला नमस्ते हो रहा है गाइज, ये देखो हमारे फोन से कितना बड़ा चप्पल जैसा। अरे छोड़ो यार ये बिना कवर के अमृत ही दिखाएगा, कवर निकल नहीं रहा मुझसे। और इसमें हमें बिल भी मिला है जो उन्होंने लिया था भैया ने। तो ये फोन करीब हमें लगा था ये 1 साल पुराना है, बट ये कितना 8 महीने पुराना है ये फोन। सही है भाई, सही मिल गया हमें फोन। और ये डिब्बा में ये दिया है और एक डाटा केबल मिला है जो इसका ओरिजिनल है। हाँ वैसे तो मिलता नहीं है बट हमें मिला है। सही है, नहीं केबल मिलता है पर वो नहीं मिलता, केबल भी नहीं मिलता। अब बंद हो गया केबल में, ये स्विच ऑफ ही कर दूं कैसे? नहीं ऐसे रहने दो। ओला नमस्ते हो रहा है बार बार। चलो कर देंगे अभी। अब अमृत ही करेगा स्टार्ट, इसको डिब्बे में पैक करके अमृत को पहले रुलाएंगे उसके बाद देंगे। तो गाइस काफी समय बाद हम आए हैं स्टूडियो में, क्योंकि हमें ट्रिप के लिए थोड़े बहुत कपड़े लेने थे कार्तिक उनियाल जी के लिए, मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाए हैं। तो अभी चेक करने जा रहे हैं हम। ना तुम्हारी चॉइस इतनी अजीब क्यों होती है? ये वाला ले लो गाइस, यहाँ पे तो सिर्फ विंटर का सामान है। आई डोंट लाइक इट, वैसे भी बिल्ली के बाल लग के ऐसे ही हो जाते हैं सड़ा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा बॉयज सेक्शन में जाएंगे। हमें समर के कपड़े चाहिए थे बट यहाँ तो विंटर है यार, एक भी समर नहीं है। तुम्हारा तो प्लीज मुझे ये शर्ट अच्छा लग रहा है, मैं कार्तिक को बोल रही हूँ ट्राई करो, ये मानता नहीं है। लो जाओ ट्राई करना है, नहीं नहीं करके देखो यार, फिर वो पता नहीं चलता। एक मुझे ये भी अच्छा लग रहा है तो ये भी हम इसको ट्रायल के देंगे। कितने हो गए ट्रायल के लिए?
दिखाओ जरा। तो एक ये बेसिक टी शर्ट है और ये पोलो नेक वाला टी शर्ट है और एक ये व्हाइट। जाओ ट्राई करके आओ। गुड गाइज, मुझे एक ये भी पसंद आया है, सिंपल और बेसिक है, इसको भी ट्राई कराते हैं उसे। अच्छा लग रहा है, सिंपल। साइज सही लग रहा है तुम्हें? हाँ बोल रहा, पेट भी नहीं आ रहा। एक ये भी देखना। तो गाइज, कार्तिक को ना ये जो टी शर्ट है मीडियम लेकर गए थे, बट वो नीचे से ना छोटा हो गया, तो अभी मैं ये लार्ज वाला लेके जा रही हूँ उसका। हाँ ये साइज सही है। हाँ हाथ उठाओ तो देखो। हाँ, अब सही है। और तुम क्या कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे? कपड़े नहीं दे रहे यार ये लोग, कपड़े पास भी जा सकते। अच्छा ये साइज सही है, परफेक्ट। अच्छे लग रहे यार तुम तो, बॉडी बिल्डर लग रहे। अच्छा लग रहा है, हाथ उठाना जरा। इसका भी साइज ब्लाउज सही है। हाँ इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइज ऑलमोस्ट सारा ट्रायल ले लिया है इसने, अब देखते हैं कौन सा देता है ये। अभी कार्तिक स्लिपर ले रहा है जो कि उसको ये वाला पसंद आ रहा है। अभी देखते हैं कि कैसा लगता है इसके पैर में। पैर तो बड़ा सुंदर है यार बब्बू का, छोटा है। दूसरा साइज लो, बहुत साइजों की कमी थोड़ी है यहाँ। सुंदर है ना मैं? बहुत अच्छा है पैर, दिखाओ। हाँ ये परफेक्ट है, अच्छा लग रहा है तुम्हारे पैर में, नाइस। तो गाइज हमने सामान तो ले लिया, बट हमने कैरी बैग बोला, उन्होंने बिना कैरी बैग के दे दिया हमें। और फिर दोबारा बोला कि कैरी बैग कर दो, तो बोल रहे कि ऑनलाइन नहीं होगा रे, कैश देना पड़ेगा रे कैरी बैग का। हमने बोला लाओ यार ऐसे ही दे दो, चलो। तो गाइज हमने जूडियो से शॉपिंग कर लिया कार्तिक के लिए, क्योंकि आज संडे है और इसके बाद फिर कार्तिक को टाइम नहीं मिलेगा, और मेरी तो शॉपिंग होती रही है, अभी तो मेरा जो टाइम है। तो इसके लिए ये नहीं बता रहे हो, आपने पहले ही शॉपिंग कर ली अपनी? आधी पूरी नहीं करी, आधी करी है, थोड़ी बहुत रह गई है, वो मैं बाद में करूंगी। और कार्तिक का क्या है कि उसको टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए आज हम यूटिलाइज कर रहे हैं टाइम को, है ना? बिल्कुल जी। और काफी अच्छे अच्छे कपड़े लिए हैं कार्तिक जी ने, वो आपको उधर ही पता चलेगा इन्होंने कौन कौन से फाइनल करे हैं। गाइज अभी कार्तिक को थोड़ा वीकनेस जैसा हो रहा था, मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी, और मुझे भी, मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो अभी कार्तिक यहाँ पे पाइनएप्पल का जूस ले रहा है, क्योंकि उसको यहाँ का जूस पसंद है। तो मैंने बोला चल ठीक है आज मैं भी खा लेती हूँ, तो वो मेरे लिए भी लेने गया है। तो जूस भी आ गया है, चीयर्स। ये टेस्टी है। तो गाइस मेरे चेहरे की खुशी से आपको पता चल गया होगा, अभी हम जा रहे हैं संडे मार्केट। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं होती, और यहाँ से हमें पैदल जाना है, है ना बे? विक्रम में चलते हैं, पैसे भी नहीं है हमारे पास तो विक्रम से जाने के लिए। संडे मार्केट में क्या खरीदने जा रहे हैं बिना पैसे के? फोन पे है ना, कैश नहीं है। गाइस कार्तिक का दिमाग खराब होने वाला है, भीड़ देखो यहाँ, भैंस की पूछ, कितना भीड़ है ना। तो ये जो मार्केट लगता है, मैं लोकेशन नीचे दे दूंगी। वैसे ये लगता है रेंजर्स ग्राउंड, जो परेड ग्राउंड के बगल में, अपोजिट में। हम यहाँ आ तो गए, पर बहुत बड़ी गलती कर दिया, वो वापस जा रहे हैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो चक्कर आ रहा लोगों को। पहली बार जल्दी खुश हो कि ये बोली, खुद से बोली चलो। और इतना भीड़ है यार यहाँ पे, कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है गाइस? बिल्कुल यार, पैर रखने की जगह नहीं हो रही, कच 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 हो रहा। हम जा रहे हैं घर, अब बाद में आएंगे हम। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज इसने, हमने खुद अपने मुंह से बोला कि चलो यार बहुत हो गया। चलो गाइस, हमें ना थुप्पा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो अभी हम वाइल्ड वेस्टीरिया है, क्योंकि क्योंकि कार्तिक को बहुत थुप्पा पसंद है, और मुझको भी पसंद है, और मौसम भी अच्छा है थुप्पा खाने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं। तो गाइस जैसे कि कार्तिक को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो हमने ना ये कस्टमाइज कराया, मतलब गर्म कोल्ड कॉफी लिया है, मतलब ये हो कोल्ड कॉफी है पर ये हॉट कॉफी है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं खांसी बहुत हो रहा तुम्हें। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है, मुझे जिंजर लेमन हनी टी इतना पसंद है, तो मैम ने मेरे लिए जिंजर लेमन हनी टी भिजवाया है। तो हमारा ये वेज बुलडक रेमेन आ गया है, और साइड में हमें किमची भी मिला है, तो ये खाएंगे। माय गॉड नहीं, तुम भी खाओगे।
आपको पता ही है आजकल मैं चिकन वगैरह खा नहीं रही हूँ, सिर्फ मटन खाते, चिकन नहीं खाते। मटन वाली नॉन वेज। या हम करने वाले हैं चॉपस्टिक का प्रयोग। खाते हैं चॉपस्टिक यूज़ करने। यस। तेरे दिखा से आज मान लूँगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं आती? ये देखो। कैसे आती है? क्योंकि मैं बचपन से खा रही हूँ ना, इसीलिए। तो गाइस कार्तिक चॉपस्टिक से ट्राई कर रहा है। चॉपस्टिक तुमने बंद क्यों नहीं करा? तुमने उसमें अटका के खा रहे हो, चलाकी। ऐसे करे? बंद करो, उंगली फंसाना पड़ता है उसमें। मेरे बस की नहीं है। तो मैं अभी टेस्टिंग करती हूँ और ना किमची भी खाते हैं। ये तो थोड़ा स्पाइसी होता ही है यार, ये मेरे मुंह में तो पानी आ रहा। तो गाइज मैंने अपने लिए मटन थुप्पा मंगाया था और कार्तिक का वेज थुप्पा है। हमारे लिए यहाँ पे कैंडल भी जल चुका है। कैंडल लाइट डिनर। ये मैं थुप्पा टेस्ट करती हूँ। अच्छा है गाइज, मैं थोड़ा किमची भी मिला दूंगी अब इसमें। मस्त। बुलडक खा के तो पसीना आ गया। थुप्पा खा के मजा आया ना? रोम रोम खुल गया मेरा जो खा था ना। मैंने मंगाया था मटन साप्टा। मैं खाऊंगे, कार्तिक तो मना कर रहा है। मेरा तो पेट हो गया। ये देखो देखो कौन जीता बताओ। हाँ मेरे बाउल देखो खाली, तुम्हारा देखो। अब वैसे भी ये ज्यादा फास्ट फूड खाता नहीं है। हाँ तुमने अपना फेवरेट बताया, मंगाया था मटन थुप्पा, फिर भी नहीं पी पाए तुम। हाँ जी कैसा लगा फिर कैंडल लाइट डिनर? भाई हम खा भी नहीं पाए, हम पैक करा रहे। मैं नहीं खा पाई भाई, आधा खा लिया, ज्यादा नहीं खाया। पर हमने जो भी खाया ना सब गर्म गर्म चीजें खाया, जो हमारी तबीयत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो गाइस अभी हम जा रहे थे बट मैम ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री केक दिया है और अब ये पैक करके मैं लेके जाऊंगी घर में, खाऊंगी। थैंक यू। तो गाइस अमृत के लिए फोन तो ले लिया है पर ये हम अभी उसे नहीं देंगे, उसको पहले रुलाएंगे फिर देंगे। कार्तिक जा रहा है तो ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं बन सकता। ओह सॉरी, अब ये प्लान मुझे खुद अकेले हैंडल करना पड़ेगा। अभी के लिए तुम्हें अकेले करना, मम्मी आ जाएगी तो करना हैंडल, ठीक है? ओके। तो गाइस मम्मी भी आ गई है, अब मम्मी का एक्टिंग स्टार्ट होगा। वो भी चिल्लाना, ठीक है? चलो चलो, मम्मी भी तैयार हो गई है, अब जा रहे हैं हम लड़ाई करने। अरे हाथ तो मिलाओ यार, चलो। बनाए तेरे दाई ने रोटी? बनाए रोटी? हाँ जीरे, वे जीरे, वे किनोई ने लोगों ने कुआं बनाए रोटी? क्या क्या बात है? तबीयत खराब, जुकाम लाए था, अरे मोबाइल लिए नहीं मरन जाते। कार्तिक ने बोला था चाइन ना करे तुम मोबाइल, उसको फीस पर जमा करनी थी। हाँ वैसे पापा ने मना कर दिया तेरे फोन के लिए। मुझे देवे रहला मन उनको बियाने में ना नहीं, तबीयत खराब हो जाए उनको भने को मान्छ साला। मैले बियाने रहला सब छुट्टी भनेको बाबु बीन्स र रोटी बनाई भनेको, त्यो मोबाइल को नाम लिए तेरो मुख छु फोड्छु साले। भन कार्तिक लाई कोई ल्यान्न मोबाइल छु भने। पापा ले बहुत कराई रहे थे यार, हम लेने के तो गको हुंदे निन्ना। पापा बोल रहे थे कि अब वो पहले फीस जमा कर ले फिर होगा, अब क्या फोन कैंसिल कर दिया पापा ने। और बहुत ज्यादा करा रहे थे, हमने फिर उनको मना कर दिया, उन्होंने फोन बेच दिया। कैसी फाइल वाले नहीं चाहिए थे? पर अब पैसे ही नहीं है तो कैसे लेगा? पापा बोल रहे रोटी वोटी बना दे मम्मी के लिए। भाई मैंने तो तुझे बोला ही है, तू जब भी सुबह जाता है ना तो तुझे जुखाम लग जाता है, तू मत जाया कर। नहीं तो बयान की काम देखो, वो मुझे यही समझ में आना तो कि स्कूल जाना के कि ना उठ देना स्कूल जाना 5 बजे, तेरा बाऊ गाना तक 5 बजे उठ गया जान से स्कूल बयान तर बयान उठ जाने की मतलब थियो मैं तेरा भने कोई ना पेपर आ दे छ तेरा गाड़ी का सर्विसिंग कर। हां तेरा मतलब है छैन इसका, वो पैसा जो इसने दिया था वो दे दो फीस में डालने के लिए बोला पापा ने। बेचारा गाइस अमृत का फोन हो गया है कैंसल। ओले मेरा भाई बेचारा, तेरा तबीयत खराब है मतलब। ओ अभी तो तू बहुत घूम रहा था, अचानक से तबीयत खराब हो गई तेरा? अभी मेरा दिन में ही हो गया था यार। क्या ले रहा है?
तेरा पास ये पैसा सौ सौ रुपया अगर लिया तीनवटा इसलिए खाद खाद अस्त लियादे तो रिस आयो ये महंगो मम्मी क्या तेल छोड़ो अब क्या कर सकते है मैं तो इसके लिए वो भी लाई थी मटन साप्टा। तो गाइज हमने सोचा था अमृत का आज नया फोन आएगा बट क्या करें अब पापा ने मना कर दिया तो फोन भी नहीं आ पाया। बेचारा क्या ही करेगा वही पुराना फोन चलाएगा। हंस दे थोड़ा सा तू भी हंस हंस ये देख पुच्छर से हंस रहा है ये भी है ना। तमीज में रह कर तबीयत खराब होता तो बाबू बिहान बेला गए उसमें तबीयत खराब जब खुद जानते घर में टाउन ना तो मरू को घर गए तो आज कस को घर में गति टाउन अरे मम्मी इसको पता है इसको सुबह 5 बजे जब भी जाता है ना इसको जुखाम होता ही होता है और इसको मैंने उस दिन भी मना किया था कि सुबह 5 बजे मत जा जुखाम होता है और ये आज फिर गया है। पापा से बात कर लियो। अरे क्यों बात करूंगा भाई तुम्हें मैं किंद तेरे मोबाइल बाबा ने इसका पोपट कर दिया। मैं सोच रही थी फोन आएगा तो मैं अमृत को ऐसे करके सरप्राइज दूंगी अमृत तेरे लिए फोन। पापा ने तो पूरा ही पोपट कर दिया भाई। और भाई यार और भाई आजा मेरे फोन में तो आजा तेरा फोन नहीं आया तो क्या हुआ ब्लॉग तो बना ले आजा भाई तेरा ये फोन का क्या करना है बनाने देना है दोबारा तो अब कैसे चलाएगा है उल्टी करके दिखा दे सही बात है वही तो गाइस फोन अगर मिल भी जाता ना तो कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इसका तो सर दर्द हो रहा है इसका तबीयत खराब हो रहा है उल्टी आ रही है इसे फोन लाके भी फायदा नहीं होता ये देखता तो नहीं और बेवकूफी नहीं है इतना ज्यादा पैसा सेकंड हैंड फोन में डालना हट मम्मी ला एंड्रॉइड किन दिनों तब पाई जस्ते ठीक छ क्या करेगा आईफोन का औकात तेरी आईफोन की है मेरी तो मैंने अपने दम पे लिया है हाँ तो अपने दम पे लियो फिर और ये फोन दे ये मेरा फोन है हाँ तो सी मटा इसमें हाँ ले क्लियर करके दे ये मेरा ही फोन है दी रहा ऐसा हाँ दे रहा है ये मेरा फोन वापस दे दे भाई बहुत चला लिया तूने हाँ ठीक है गाइज ये फोन मुझे मेरा वापस मिल गया फालतू में मैंने इसको दे के और खराब कर दिया था इसने अब मैं इसमें अपना डाटा सेव करूंगी। हाँ डैडी आपका कॉल तो नहीं लग रहा था फिर मैंने व्हाट्सएप किया लो अमृत से बात कर लो आपने क्या बोला था इसे बोल दो ले भाई मोबाइल का भूत उतर है कि नहीं भाई अरे चाहिए वो यार मेरा फीस जमा करना है या अरे फीस जमा कर दो मार को महीना पे काम करे निकाल लिया तू अब इसे लेकर अगले महीना तक मोबाइल का नाम मत ले ना भाई हां ठीक है बोल रुकी दम ना और मम्मी को तंग नहीं करना इतना देर ए रे मम्मी ला चिल्लांच मम्मी को चिल्लाता है ये फिर बीच बीच में झटके पड़ते हैं इसको डोज दे दो पहले डोज तो निकालूंगा ना इसका मैं पहला डोज दूंगा ना तब फिर पता चलेगा ला ला तू भी अमृत को डांट रहा है क्या हां मैं कौन है वो अरे आपके पीछे पीछे डांट रहा है राजू हां राजू भी डांट रहा है हां डांट साले को डांट। तो गाइस प्लान ना थोड़ा सा फेल हो गया उसने तो कुछ रिएक्शन नहीं दिया अब प्लान टू ये है कि मैं ये फ़ोन जाके डाइनिंग टेबल में रख दूंगी और फिर मैं अमृत को बोलूंगी कि वहाँ जा कुछ है खा ले और क्या पता वो जाके सॉफ्ट हो जाए चलो चलो थोड़ा बुखार चले तो गाइस अमृत का ना बुखार चेक कर रहे थे बोल रहा था बुखार है पर 96 है बुखार नहीं है तुझे ना क्या है जुखाम है तू सुबह सुबह गया था ना तो उसी से देख हम हमारे पूरी फैमिली को साइनस का दिक्कत है क्योंकि ये जेनेटिक्स है हमारा और फिर तू सुबह सुबह मैं तुझे इसलिए बोलती हूँ सुबह सुबह मत निकला कर और तू निकलता है तो तुझे यही होता है। मैं वाइल्ड वेस्ट चीरिया गई थी आंटी ने हमें कुछ खाने के लिए भी दिया जल खा ले
ये फोन ले रहा है था ना नया लेके आए नहीं ये गाइस मुझे लग ही रहा था और इसको थोड़ा सा शक हो ही गया था ओ भाई तो मस्त लग रहा है ये और पता है ये सिर्फ 8 महीने चला है ये फोन इसका बिल वगैरह सब कुछ है भले 8 महीने चला है गाइज वो थोड़ा सा बीमार है ना इसलिए वो रिएक्शन नहीं दे पा रहा है बट मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उसको थोड़ा तंग करूं रिएक्शन लूं बट उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है इसलिए मैंने ज्यादा उसको तंग नहीं किया थैंक यू थैंक यू अलीशा थैंक यू सो मच थैंक यू मम्मी थोड़ा सा पैसा डाल देने थैंक यू ये वो थैंक यू नहीं बोल अगले जन्म में भी ऐसे ही मुझे बैंक और मार मिले हाँ मैं तो चाहता हूँ सबको मिले कैसा हमारे तरफ हाँ खुश दे ना खुश दे खुश कितना प्यारा कलर है यार दिया तो हूँ बेटा लेकिन रात भर पबजी मत खेलना है नजायज का मतलब नजायज फायदा मत उठाना सही बोला तेरे पढ़ाई के लिए दिया हूँ अमृत अगर इसको तूने तोड़ा खराब किया तो तू गया भाई भाई तू कुछ बोलना नहीं चाहता वापस ले लूंगी फोन थैंक यू सो मच ये बोल अभी तो तुझे बड़ा बुखार आया था बोल नहीं पा रहा था अभी देख मम्मी हंस रहा है मन के अंदर तो देखो ये कवर मिला है इतना प्यारा और एक ये कवर भी मिला है जो भैया ने दिया है अरे हैप्पी बहुत थैंक यू हम सोचे थे तुझे बहुत रुलाएंगे पर क्या करे तू तो रोया ही नहीं तुम्हें एक्टिंग करना ही नहीं है तू समझ गया था डैडी को भी एक्टिंग करना नहीं है डैडी गाली देते ना पहले डैडी ने गाली नहीं दी ये यार ये डैडी ने भी ना परेशान कर दिया है मैंने डैडी को पूरा समझाया था कि पापा गाली देना ये वो करना पापा ने गाली नहीं दिया डैडी आप ये वीडियो देखेंगे तो डैडी थैंक यू सो मच आपने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है वैसे भाई एक बात बोलूं तू इतने पैसे में ना अच्छा एंड्रॉइड ले सकता था कोई बात नहीं मुझे एंड्रॉइड नहीं पसंद मतलब तू इसमें भी खुश है वैसे है बस 8 महीने तो पुराना है बाकी वो गेम गूम कुछ नहीं खेलते बट सही है इसकी बैटरी हेल्थ भी सही है अरे तो इसी बात में ले काली काली चाय पी मरीच वाली और ठीक हो जा फिर फोन चलाइयो चल चीयर्स तो कर ले इसी बात में चीयर्स फॉर योर न्यू फोन तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं अमृत के फोन से जरा ब्लॉक करूँ दिखाना जरा हेलो गाइस अभी मैं अमृत के फोन से ब्लॉक कर रही हूँ कैसी लग रही हूँ मस्त लग रही हूँ चल अमृत तू वो फोन ले ले मैं ले लेती हूँ तो गाइज अमृत को फोन भी मिल गया है एंड वो बहुत बहुत खुश है सो हमने सोचा था कि बहुत भयंकर रिएक्शन आएगा पर क्या करें उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो उसके कारण रिएक्शन मिल नहीं पाया बट जो भी था अच्छा था तो आज के लिए इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको पता है क्या करना है डू लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल बोलते नेक्स्ट ब्लॉग में बाय गुड नाइट